देश में कोरोना वायरस का कहर थमता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,047 नए केस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान देश में 54 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 1,28,261 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 19,539 लोग कोविड 19 से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 4.94% है। कोरोना वायरस से अब तक भारत में 5,26,826 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब तक 4.35 करोड़ से अधिक लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। विशेषज्ञ लोगों को इस समय पड़ रहे त्योहारों के समय कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। देश में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,28,261 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.29% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,546 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.52% और कोविड 19 की मृत्यु दर 1.19% है। अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 207,03,71,204 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,21,429 डोज लगाई गई हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।